हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो मैंने जहाँ पर एंड करी थी वहीं से जो है मैंने स्टार्ट कर दी हूँ। और यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से जो है ना, ये मशरूम शेप में यहाँ पर ना ये बैठने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर जो है ये पूरा सीमेंट से बना है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे लकड़ी का काम किया गया हो, चेयर हो या फिर ये जो मशरूम बना है वो। और यहाँ पर मेरी बेटी दिखा रही थी कि ये देखो लकड़ी से बना हुआ है मम्मी, तो मैंने उसको वही बताई कि लकड़ी नहीं, ये सीमेंट से बना हुआ है। और यहाँ पर ना ये लैंप वगैरह बहुत सुंदर लग रहा था, काफ़ी सुंदर लग रहा था। और ये ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, बट ये काफ़ी कॉस्टली है। तो यहाँ पर देखिए बैठने में भी बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर, क्योंकि ना चारों तरफ से हरियाली हरियाली है और बीच में ये जो है ना ये कॉफ़ी पॉइंट बना हुआ है। और ये जो है ना पहले कुछ भी नहीं था, जस्ट अभी ये बना हुआ है, क्योंकि मैं पहले गई थी तब ये नहीं था और अब जो है काफ़ी अच्छा ये बन गया है। और यहाँ पर पूरा सीटिंग अरेंजमेंट कर दिया गया है बैठने के लिए, और आप जो है स्नैक्स वगैरह यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पर कॉफ़ी जो है ना अब मिलने लगी है, काफ़ी सारा यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो गई है। लेकिन बहुत इन लोगों को भी जो है ना मुश्किलें होती है, क्योंकि ऊपर ये पूरा ना ऊपर में है, तो उतना लेकर के आना और इतना सारा कुछ मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर ना ये बहुत प्यारे प्यारे से गेट बने थे सीमेंट के। और ये देखिए यहाँ पर डक वगैरह, ये मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि मैं इनको ना घर ले जा लूँ। लेकिन यही है कि हम इन चीज़ों को जो है ले जा नहीं सकते। और यहाँ पर फ़ोटो वगैरह लेने के लिए जो है ना, वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। और मुझे ना वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये जो था म्यूज़िक वगैरह चल रही थी, तो इस वजह से जो है मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। बाकी मैंने काफ़ी कुछ आप लोग को बताई थी, चलो बट कोई बात नहीं। और यहाँ पर ये टेंट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि ना ये पूरा जो है ज़मीन से कसा हुआ था। और जो है ना इधर हवा तूफान इतने बुरी तरीके के आते हैं ना, तो चीज़ों को उड़ा करके ले जा लेते हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये जो ना कसा हुआ था ज़मीन पर। और यहाँ पर देखिए ये बहुत ही प्यारा गेट बना हुआ है, फोटो वगैरह लेने के लिए ना बहुत अच्छा लग रहा था। और ये एक ना ये गेस्ट हाउस है, जैसे कोई चीफ गेस्ट वगैरह आते हैं तो उन के लिए है, जैसे वो यहाँ पर आकर के रात बिताते हैं, तो ये सब उनके लिए है। और बाकी टाइम तो ये हमेशा ये बंद ही रहता है, किसी को भी घुसने की परमिशन नहीं है, अंदर लॉक लगा रहता है। और सबसे अच्छे यहाँ पर ना ये प्लांटर लगे, जो डक प्लांटर है ना बहुत प्यारे लगे, और मैंने भी देखे, लेकिन ना काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं ये, तो मुझे यहाँ पर ये देख करके बहुत अच्छा लगा। और ये फ्लावर ऐसा लग रहा था कि जैसे ना ओरिजिनल है, बट ये ना आर्टिफिशियल था, और देख के दूर से ना ऐसे लग रहा था कि ये जो है ना ओरिजिनल प्लांट है। और यहाँ पर ये पहले कुछ भी नहीं था, ये पौधे वगैरह जो है ना जस्ट अभी अभी लगाए हुए हैं। और यहाँ पर हर तरह के फ्लावर्स जो है वो नज़र आ रहे थे, तो मैंने सारे कुछ देखी। और ये प्लांटर वगैरह मुझे बहुत पसंद आए। और इस तरीके से जो है हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा, फिर हम यहाँ पर बैठ गए थे, क्योंकि जो मेरी बेटी को जो है ना भूख लग गई थी, तो वो थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खाने के लिए। और यहाँ पर जो है हम लोग थोड़ा देर फिर रेस्ट वगैरह करें, और उसके बाद जो है अभी मैं आगे आप लोग को ऊपर की तरफ ले करके चलती हूँ छत पर, और वहाँ से जो है फिर मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाऊँगी। Thank you.
छत पर हम लोग आ गए हैं और यहाँ से देखिए पूरा व्यू आप लोग को चारों तरफ जंगल ही जंगल नज़र आएगा और पहाड़ी नज़र आएगी। तो ये जो है ना, ये बालकों की शान इसी को कहते हैं, बालकों की शान है ये, जो पूरी हरियाली हरियाली चारों तरफ। और यहाँ से जो है ना बालकों भी नज़र आता है, बट यहाँ पर ना पूरा धुआं धुआं हो रखा था क्योंकि नीचे साइड में जो है ना आग लगाए हुए थे, तो इस वजह से जो है ना पूरा धुआं धुआं हो रखा था और काफ़ी जगह जो है ना आग लगी हुई थी, तो इस वजह से जो है ना ये बराबर दिख भी नहीं रहा है। बाकी ये जो नज़ारा है ना काफ़ी खूबसूरत लगता है और ये जिधर देखोगे ना आपको पूरा जंगल ही जंगल नज़र आएगा। तो इस और इन्हीं जंगलों के बीच बीच में जो है ना गांव भी है, तो जहाँ पर हाथी वगैरह आ जाते हैं और जो है ना धान की स्मेल उन्हें आती है ना, तो वो जो है दीवार वगैरह घर की तोड़ देंगे और नुकसान कर देते हैं किसान लोगों का, तो थोड़ा सा उनके लिए दुख भी लगता है। और काफ़ी लोगों की तो इसमें जो है ना हाथी ने जान भी ले ली है यहाँ पर, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है उनके लिए, लेकिन हरियाली जो है वो यहाँ की शान है और आप देख ही सक रहे हो। और नीचे से जो है आप लोगों को रास्ता भी नज़र आ रहा होगा जहाँ से हम लोग आए हैं, तो ये जो है ना ऊपर पे है कॉफ़ी पॉइंट और आगे भी आप जितना आगे जाते जाओगे उतना ही हरियाली आपको नज़र आते जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना काफ़ी घूमने की जगह है और काफ़ी पिकनिक प्लेसेस है। तो अगर आप कहोगे तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सेल्फी पॉइंट है यहाँ पर, ये अभी रिसेंटली बना हुआ है, पहले ये नहीं था बट अभी जो है ये बन गया है। और यहाँ पर जो है ना आप इवनिंग के टाइम में आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि लाइटिंग वगैरह यहाँ पर अभी लगा दी गई है, तो जैसे जो है ना काफ़ी लोग यहाँ पर रात पे आते हैं तो जो है यहाँ का नज़ारा और अच्छा लगता है। बस ये है कि रात के टाइम में आपको बाहर की चीज़ें उतनी, मतलब जो जंगल है वो नज़र शायद ही आएगा, मुझे तो ऐसे लग रहा है क्योंकि मैं तो पहले ही निकल गई थी यहाँ से। तो जो है जो भी आना चाहता है वो इवनिंग के टाइम में आए तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर देखिए हम लोगों ने मैगी ली थी और साथ में जो है कॉफ़ी, और बस इसको हम पीने के बाद में जो है वो हम लोग घर के लिए निकल गए थे। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट। और चलिए इस वीडियो को जो है मैं करती हूँ यहीं पर एंड, और होप करती हूँ कि आपको जो है आज का वीडियो आप पसंद आया होगा। तो अब चले हम घर की तरफ, तो इस वीडियो को जो है यहीं पर एंड करते हैं और होप करती हूँ कि आप सबको आज का ये जो कॉफ़ी पॉइंट जो मैंने दिखाई आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय बाय।